बॉलीवुड को एक और नया चेहरा मिलने जा रहा है और ये एंट्री इस बार अक्षय कुमार के ससुराल से होगी। करण कपाड़िया के रूप में जो फिल्म ब्लैंक से फिल्मों में आ रहे हैं, फिल्म में उनके साथ सनी देओल भी हैं। फिल्म का ट्रेलर आज मुंबई में जारी किया गया। ब्लैंक कहानी है एक ऐसे यंग लड़के की जिसे सुसाइड बॉम्बर की तरह दिखाया गया है। उसके सीने पर बम लगा होता है, उसकी सांस रुकने के साथ फट सकता है और उसे हटाया तो भी। उसके एनकाउंटर का प्लान है और सनी देओल ऐसे स्लीपर सेल्स को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन फिल्म के कुछ सस्पेंस भी रखा गया जिसमें फिल्म के देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म में करण और सनी के साथ इसीता दत्ता, करणवीर शर्मा और रशिका प्रधान ने भी काम किया है। करण डिंपल कपाड़िया बहन सिंपल का लड़का और अक्षय कुमार का काजिल साला यानी कि ट्विंकल का भाई है। बेहजाद खामटा के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक लड़के की कहानी है। करण का चेहरा और किरदार अब तक सबसे छिपा कर रखा गया है। फिल्म ब्लैंक 3 मई को रिलीज होने वाली है। बेहजाद पहली बार निर्देशन के मैदान में उतर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अजहर बॉस और ओ माय गॉड में असिस्टेंट डायरेक्टर की कमान संभाली थी। इस फिल्म की टोनी डिसूजा भी प्रोड्यूस कर रही हैं, जिन्हें डिंपल कपाड़िया के दामाद अक्षय कुमार के फिल्मों ब्लू और बॉस को डायरेक्शन किया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में करण कपाड़िया ने कहा था कि वो अपने जीवन में बहुत लकी हैं क्योंकि उन्हें उनकी माँ सिंपल के अलावा माँ के रूप में डिंपल मौसी का भी प्यार है। करण पहले 118 किलो वजन के थे, लेकिन बाद में उन्हें जिम में पसीना बहाया, बैंकॉक जाकर मार्शल आर्ट सीखा, साथ ही जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो से एक्टिंग की कोर्स किया ताकि वो अपने डेब्यू के लिए फिट हो सके। यही नहीं, अक्षय की फिल्म बॉस में वो टॉनी के असिस्टेंट भी रहे। इस फिल्म में सनी देओल का बड़ा रोल होगा। डायरेक्टर बेहजाद खम्बटा ने जब स्क्रिप्ट को पूरा कर लिया था तब उन्हें लगा कि सनी रोल के लिए परफेक्ट हैं। बेहजाद सनी के बड़े फैन हैं और उनकी फिल्मों को लेकर वो बड़े हुए हैं। बता दें कि सनी का किरदार इस फिल्म में अलग होगा। उनके इस किरदार को देखकर उनके एक्शन हीरो वाली फिल्मों की याद आ जाएगी। इस फिल्म शूटिंग मुंबई में की गई है। इस फिल्म को टॉनी डिसूजा और विशाल राणा प्रोड्यूस कर रहे हैं। न्यूज़ रूम से फिल्मी अड्डा की रिपोर्ट।